हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका स्क्रूटनी, जी हाँ, जो आपके एक तरीके से जिनकी बैक आई है आप कह सकते हो, या जिनके मार्क्स कम हैं, वो स्क्रूटनी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अंकानुसंधान के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ वो आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगी। अभी स्क्रूटनी के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा, मैं बता दूंगा कब आएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो जब आएगा उसके बाद आपके कॉलेज, अपने कॉलेज वालों से आप संपर्क करिएगा। कई स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि कॉलेज वाले पैसे लेते हैं और कुछ नहीं करते, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन तो आपके कॉलेज वाले ही देंगे, वही आपको पूरी तरीके से फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, वही वो आप वो या तो ये बता देंगे कि ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन ये चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, और वहाँ से आप डाउनलोड करें, तभी आप भर के ले जा करके कॉलेज में आप सबमिट करोगे, ठीक है। फिर वो आपके डायट में जाएगा, डायट से आपका जहाँ कहीं भी चेकिंग की बात होती है वहाँ पर वो चेक होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन कर सकते हो, कब कर सकते हो। मान लीजिए आपकी बैक है, ठीक है, ध्यान रहे 2 से 3 नंबर से अगर बैक लगी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 2-3 नंबर से अगर है तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करिए। आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, बढ़ सकते हैं, तो आप आवेदन करिए। अदरवाइज़ मैं बता दूँ, स्क्रूटनी में जो है ना के बराबर जो है वो मार्क्स बढ़ते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। एक बार तो पिछली बार ये हुआ था 17 बैच में कि 14 नंबर थे उसको तो 41 कर दिया था, ये भी होता है, ठीक है। कितने थे? 14 नंबर, और स्क्रूटनी उसने डाली थी तो उसको 41 बना दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। 50 नंबर के पेपर में 14 थे उसके और उसको 41 कर दिया, ये भी स्क्रूटनी में होता है, और ये मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है इस इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, डाइट का नाम होगा, सबसे पहले किस डाइट से हो आप वाली चीज़, उसके बाद लिखा हुआ है निजी संस्था का नाम, जिस संस्था से आप कर रहे हो, अनुक्रमांक आपका क्या है आप वो डालोगे, फिर स्टूडेंट जो है वो उसका पूरा नाम होगा, हिंदी में लिखा हुआ है बाकायदा, हिंदी में आप करोगे, पिताजी का नाम भी हिंदी में होगा। विशेष ख्याल रखिएगा, 2 विषय में ही आप स्क्रूटनी डाल सकते हो। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा 3 विषय में है, एक में लाओ मैं स्क्रूटनी डाल दूँ वहाँ पास हो जाऊँगा, 2 में मैं बैक है बैक दे दूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 3 या 3 से अधिक विषयों में अगर आपकी बैक लगी है तो आपको दोस्त पूरा सेमेस्टर फिर से देना होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो विषयों का नाम जिसमें अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी कराना चाह रहा है पहला, और दूसरा 7 नंबर में क्या है, शुल्क का विवरण, धनराशि, आपके बैंक का नाम जो भी होगा, ड्राफ्ट नंबर, दिनांक की बात, ठीक है, वो चीज़ आप वहाँ पर डालोगे। फिर बात होगी यहाँ पर डायट के प्राचार्य हस्ताक्षर मोहर की बात होगी, और आपके हस्ताक्षर, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंक तालिका दिखा हुआ है कि पृष्ठ भाग में अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी के निर्देश अंकित हैं जिसके अनुसार आवेदन पत्र पूरित करें, लिखा है अंक पत्र की एक छायाप्रति संलग्न करें, मतलब जो आपका रिजल्ट था ना उसकी एक छायाप्रति, एक फोटोकॉपी आपको इसके साथ में लगा करके जमा करना होगा आपके कॉलेज में, और आवेदन पत्र के साथ मूल बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें, ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना है, ध्यान दीजिएगा, उसको भी आपको लगाना होगा। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आप इसको स्टैंडर्ड व्यू पर देखोगे तो विजिबल होगा, बाकी मैं पढ़े दे रहा हूँ। जो पॉइंट्स हैं वो है, पहला लिखा हुआ है ए में लिखा है कि यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी कराना चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डायट से अपना आवेदन, ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप समझ रहे हो, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर, मीन टू से जल्दी आप लोग अब स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्म की रही बात जो है, तो कॉलेज वाले आपके प्रोवाइड कराएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा, उनसे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। और ये स्क्रूटनी वाला फॉर्म जो है वो आप पूरी तरीके से शुरू कर दीजिए भरना, और वहाँ ले जा करके जो जो चीज़ें लगी हुई हैं संलग्नक में उसको ले जा करके लगा करके अपने कॉलेज में जमा करना। प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों के अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी करा सकता है, पॉइंट बी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लिखा है कि प्रशिक्षु अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी शुल्क 100 रुपये जो है 100 रुपये, लिखा है प्रश्न जो है प्रश्न पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। आप समझ रहे हैं किसके निर्गत आपको करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इन्हीं के रेस्पेक्ट में जो है वो ड्राफ्ट बनेगा आपका। फिर है अगला पॉइंट कि आवेदन पत्र के साथ मूल ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक की छाया प्रति संलग्न करना होगा, ये भी अभी मैंने बताया था इसके पहले। किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी केवल एक बार ही की जाएगी, इन पॉइंट्स को आपको नोट करके चलना, एक बार होगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में स्क्रूटनी का प्राविधान नहीं है। मतलब आप समझते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल वाली बात होती है, जो इंटरनल वाली बात होती है, उसमें कोई भी स्क्रूटनी का जो है काम नहीं होगा, कोई भी स्क्रूटनी प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सब एक्सटर्नल एग्जाम के लिए होता है आपका, जो आप लिखित करके आए हो। इसको देखिए ज़रा, दो नंबर में लिखा है, परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा और उसे नियमानुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। फिर से वो नियम के अनुसार, भाई अगर आप अनुत्तीर्ण समझा जाएगा, कुछ भी अगर आप ऐसे करते हो तो आपको अनुत्तीर्ण समझा जाएगा, यहाँ पर स्क्रूटनी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे उसमें नहीं, परीक्षा अवधि में अगर ये आप कर रहे हो तो नियमानुसार उसे परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, आप फिर से एग्ज़ाम जो है वो पास करोगे। फिर लिखा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, चलिए मैं इसको पहले बता देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा आपको। यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो पूरा सेमेस्टर दोबारा देना होगा। जरा इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर तीन में है, दो से अधिक यानी कि अगर तीन में है या तीन से अधिक में है, तो भाई पूरी तरीके से फुल सेमेस्टर आपको भाई फिर से देना होगा पेपर। ठीक है, यदि प्रशिक्षु अधिकतम दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक परीक्षा में डी ग्रेड प्राप्त करता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे उन विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण करना होगा, पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप जो है दो विषयों की लिखित परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण है, इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड है, तो आप जो प्रशिक्षण होगा ना, जो इंटर्नशिप है, नेक्स्ट टाइम जब आप इंटर्नशिप करोगे, जब आप प्रशिक्षण जो है करोगे, उसके बाद ही वहाँ पास होते हो, तो आपको पास माना जाएगा। ये सारे हैं निर्देश जिनको आपको फॉलो करके पूरी तरीके से चलना है। तो यहाँ पर मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। भाई 30 दिन के अंदर आपको ये अप्लाई कर देना है, तो जल्दी से अपने कॉलेज से आप कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, वहाँ पर संपर्क करिए कि आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कुछ आपको लगता है कि ये फॉर्म नहीं मिल पा रहा है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपके जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप जो है कमेंट में लिख दीजिए, उसके बारे में जो है हम बात कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, देखिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ही मतलब सटीक तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है वन लाइनर इसीलिए आप लोगों को देने की। जो वन लाइनर पीडीएफ फाइल है वो मैं इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही मिनिमम चार्जेस मैंने वहाँ पर रखे हैं, जो आप लोगों को पे करके इन चीज़ों को आप परचेज कर सकते हो, ले सकते हो वन लाइनर को। वन लाइनर वो कहने को है, बाकी आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ आपके सवाल हैं, जितने भी अति लघु और लघु हैं, सबको इंक्लूड किया गया है। तो 80 81 74 37 34 ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है, 8081 आपका 743734। इस पर आप कांटेक्ट करके जो सेकंड सेमेस्टर है और आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी पीडीएफ फाइल्स को आप प्राप्त कर सकते हो। आप वहां पर अपना नाम, कौन से सेमेस्टर से हो, आप सीधे मैसेज करोगे, पीडीएफ फाइल आपको चाहिए वो बताओगे, और उसके बाद आपको जो है वहां पर प्रोसेस बता दिया जाएगा कि वो फाइल्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें आपका वेरी शॉर्ट आपके जितने भी हैं शामिल किए गए हैं, आपके जितने भी और क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, कोशिश की गई है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, पीडीएफ फाइल आपको मिलने के बाद जो है जो जिन लेक्चर जिन भी जो भी चीज़ें मैं राइट डाउन मैं लिख करके जो मैं लेक्चर्स मैं देता हूँ एक तरीके से बताता हूँ, उनकी भी पीडीएफ यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप इतना मान के चलिए कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन लाइन वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं उनसे जो है पूरी तरीके से मिलने वाली हैं। तो आपने अगर परचेज़ कर लिया है तो आप औरों को भी बताएं कि वो भी आकर के यहाँ से इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, पीडीएफ फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी सवाल है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कि बैक वाली बात या स्क्रूटनी वाली बात, इंटरनल बैक या जो भी, उनके आंसर्स मैं 2-3 वीडियो में इसके पहले दे चुका हूँ। न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, न्यूज़ DLED BTC करके। बाकी और भी आपके कोई सवाल हैं तो ये वीडियो जो है इसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर उसकी रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने बताया था कि भाई इंटरनल बैक है काफ़ी लोगों का, उसका समाधान आपके कॉलेज वाले ही करेंगे। ठीक है, आप जाइए वहाँ पे, उनसे बोलिए पूरी तरीके से कि सर और मैम ये जो भी दिक्कतें हैं, गलत नंबर चढ़ा है या आपने इतना दिया था, वो सारी चीज़ें, उसके बाद अपने डायट में आप संपर्क करिए। और बाकी मैंने बता दिया कि स्क्रूटनी आप करवा सकते हो, लेकिन अभी आप फॉर्म भरिएगा भाई, जब आपको लगे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे।
ऐसे स्क्रूटनी करवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मार्क्स बढ़ते हैं नहीं, ना के बराबर बढ़ते हैं, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में। आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के कॉमेंट में लिख दीजिएगा। फिलहाल अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी लाइव क्लासेस शुरू होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, शुक्रिया तब तक के लिए।